स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। और वीडियो आज शाम का बहुत ही खास है, यहां पर आंगनबाड़ी कर्मिकों को बीमा कवर देने की दरअसल मांग उठाई जा रही है और इसी के संबंध में आज का ये बढ़िया वीडियो और उसके बाद एक लेटर भी आप लोगों को सरकारी दिखाएंगे जिसमें कुछ आदेश भी है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और सभी भाई बहन इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप फेसबुक में भी शेयर कर दीजिए और भी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन तक भी बीमा कवर की जो है आवाज़ पहुँचनी चाहिए और जो ये मांग उठाई जा रही है कि आंगनबाड़ी कर्मिकों को बीमा कवर दिया जाए। तो इस मांग को लेकर के हम लोग जितना जोरदार तरीके से तभी बढ़ पाएंगे जब आप सब भाई बहन भी इस चीज की मांग उठाएंगे और अपने स्तर से इसको जो है प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे कि यहां पर यह मांग जो है उठाई जानी बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं, फिलहाल के लिए ये जो आप देख सकते हो न्यूज सर्विस न्योज्योति वगैरह आपका खानपुर वगैरह लिखा हुआ है, वहां से राजस्थान में यह मांग रखी गई कि आंगनबाड़ी कर्मिकों को भी बीमा कवर दिया जाए। इन दिनों आपने देखा होगा 50 लाख का बीमा आपके जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो इस समय जो है कोरोना से बचाव के लिए जो ड्यूटी निभा रहे हैं कर रहे हैं उन लोगों को 50 लाख का बीमा है। ऐसे में आशा वर्कर हैं उनके लिए भी बीमा 50 लाख का। तो यहां पर जाहिर सी बात है 2000 आशा वर्कर बेचारी पाती थी उनको भी 50 लाख का बीमा किया गया। अब ऐसे में आंगनबाड़ी वर्कर वो भी काम कर रही हैं, उनकी भी हाई अलर्ट एरिया में ड्यूटी लगाई जा चुकी है उत्तर प्रदेश में भी। तो ऐसे सभी राज्यों में मैं कहना चाहूंगा वहां के यूनियनों को भी इसी तरीके से मांग उठानी चाहिए कि आंगनबाड़ी को 50 लाख का बीमा। ये एक मांग है जो कि सभी राज्यों से उठनी चाहिए और सरकार तक आवाज जानी चाहिए क्योंकि यहां पर आंगनबाड़ी वर्कर भी इन दिनों हाई अलर्ट एरिया में ड्यूटी कर रही हैं जो इस संदिग्ध जो मामले हैं उनकी स्क्रीनिंग करने में। आगे चलते हैं, पूरी खबर को पढ़कर के बताना चाहेंगे कौन सा यूनियन आवाज लगा रहा है आंगनबाड़ी को 50 लाख का बीमा कवर देने के लिए। लिखा है राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर सभी आंगनबाड़ी महिला कार्मिकों को 50 लाख की राशि का बीमा कवर में शामिल किए जाने की मांग की गई है। अब जाहिर सी बात है जो मोदी जी से कहा गया है, राजस्थान से आवाज उठी है, तो ये कहीं ना कहीं सारे राज्यों का, अगर मोदी जी ऐलान कर देते हैं केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा तो समस्त राज्यों के लिए किया जाएगा और यहां पर हर एक राज्य को इसका लाभ मिलेगा। तो क्यों ना राजस्थान में जो आवाज उठी है यूनियन के द्वारा उसका सभी राज्यों के यूनियन वाले सपोर्ट करें और इसी तरीके से आवाज उठाएं कि आंगनबाड़ी वर्कर को भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरह बीमा मिलना चाहिए क्योंकि ये भी इन दिनों मैदान में बराबर अपनी भूमिका निभा रही है। आगे लिखा है संघ की जिला अध्यक्ष है सीमा तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखे पत्र में बताया कि अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की ही तरह आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी की जो है सभी महिला कर्मिक जो है सरकार के आदेश पर अपनी जान जोखिम में डालकर फील्ड के जो है काम बेचारी कर रही हैं और जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। लिखा इस दौरान महिला कर्मिक घर घर ग्रामीण में जो है संपर्क कर कोरोना वायरस से बचाव और लक्षण के बारे में जानकारी देने के साथ उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए भी जागरूक कर रही हैं तथा नियमानुसार पोषाहार भी जो है घर घर पहुंचा रही हैं। अब इतना बड़ा काम, घर घर पोषाहार, टेक होम राशन, ये सारी चीजें पहुंचाना और अभी आप देख रहे हो आगे और भी चीजें लगा दी गई हैं हाई अलर्ट एरिया में स्क्रीनिंग करना जो संदिग्ध कोरोना के जो केस आ रहे हैं उन लोगों का। तो यहां पर बराबर अपनी भूमिका वो निभा रही हैं। आगे लिखा है लेकिन केंद्र सरकार ने इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मिकों के साथ अनहोनी होने पर अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तरह बीमा कवर में शामिल नहीं किया है। तिवारी ने प्रधानमंत्री से आंगनबाड़ी कर्मिकों को बीमा कवर देने की मांग की है। तो ये मांग राजस्थान में उठाई गई है और इसका जो है सभी राज्यों से सहयोग भरपूर होना चाहिए और यही मांग उठनी चाहिए कि आंगनबाड़ी को भी कम से कम लाभ मिले जब आंगनबाड़ी वर्कर भी इन दिनों वही काम कर रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के बेचारे कर्मचारी कर रहे हैं। तो दोनों लोग भगवान की तरह हैं और दोनों लोगों को बीमा कम से कम मिलना चाहिए। बीमा इसलिए कि यहां पर उनके परिवार यदि कुछ हो जाता है तो परिवार की कम से कम देख रेख हो पाए, उनके बच्चों का पालन पोषण हो पाए। अब आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं एक और लेटर हमारे पास उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से और ये लेटर आज ही का है, देखने लायक, बहुत बढ़िया बात है। आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल का मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आज का जारी किया हुआ लेटर और इस लेटर में कौन कौन से जनपद हैं उत्तर प्रदेश के उन जनपदों पर हम आते हैं। लिखा है संबंधित मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक
आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और आपका वाराणसी हो गया, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज एवं सीतापुर। तो इतने जनपदों के नाम लिखे हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, उच्च स्तरीय समीक्षा में यह पाया गया है कि आपके जनपदों में कोविड-19 का लोड अत्यधिक है, यानी इस तरह के मामले केस ज्यादा आ रहे हैं, अतः इन जनपदों में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया जाए। तो यहां पर एक आदेश आ चुका है कि इन जनपदों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। जनपद में पढ़ चुका हूं, जिसका भी जनपद है अपना देखते और समझते जाइए। आगे लिखा है, जिलों में निर्गत किए गए पासों की पुनः समीक्षा कर ली जाए तथा आपके अनावश्यक पासों की जो है उनको निरस्त कर दिया जाएगा। अभी ई पास वगैरह बने थे, वो जो लोग बाहर जाना चाहते थे या जिनको काम था उन्होंने पास बनवाया, ऐसे में बहुत से लोग अनावश्यक तौर पर भी जो है पास बनवा रखे थे और लोग बाग टहल रहे थे, तो ऐसे में जो अनावश्यक कार्ड हैं, पास थे, वो सारे निरस्त कर दिए जाएंगे। और आगे लिखा है, प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। तो यहां पर यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में है कि इस तरह के किसी भी आपके इलाके में गांव में भी होंगे, तो इन जिलों में जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर बता रहे हैं कि जो है होम डिलीवरी वगैरह सुनिश्चित की जाएगी, घर घर जाकर के राशन पहुंचाया जाएगा। और आगे चलते हैं, लिखा हुआ तथा दुकानों अथवा सब्जी मंडी आदि को भी ना खोला जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो हाई अलर्ट बोल सकते हैं, यहां पर हाई अलर्ट है, यहां पर सब्जी मंडी के लिए भी मना कर दिया गया, दुकान अथवा सब्जी मंडी आदि को भी ना खोला जाए। तो दुकान, सब्जी मंडी ये सब भी बंद रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग एक लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके और 100% घरों की जांच करते हुए सैनिटाइजेशन किया जाए। आगे लिखा है, आवश्यक वस्तु से संबंधित फैक्ट्री प्रतिष्ठानों के कर्मिकों और श्रमिकों जिनका आना जाना अपरिहार्य है उन्हें भी अलग अलग वाहनों के साथ पर जो है पूल वाहनों के माध्यम से लाने की व्यवस्था की जाए। सड़कों पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को लिखा है बाहर ना निकलने दिया जाए एवं आगे देख सकते हो उन्हें घर पर ही रहने के लिए भी कहा जाए। सघन पेट्रोलिंग वगैरह लिखा हुआ है कर इसके जो है इसे जो है सुनिश्चित किया जाए तथा इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग एवं दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर इसकी सूचना नियमित रूप से भी प्रेषित की जाए। अब ये उत्तर प्रदेश शासन ने आज 8 तारीख है और आज ही लेटर निकाला है। अब ऐसे में जिन जिलों का यहां पर हमने नाम दिखाया उन जिलों में हाई अलर्ट है। मैं एक बार फिर कहता हूं, आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, वाराणसी है, शामली है, मेरठ है, बरेली है, बुलंदशहर है, बस्ती है, फिरोजाबाद है, सहारनपुर है, महाराजगंज एवं सीतापुर। उत्तर प्रदेश के इन जनपदों में हाई अलर्ट है और यहां पर सब्जी मंडी वगैरह भी आपकी बंद रहेंगी, हमने आप लोगों को बता दिया, कड़ाई से पालन किया जाएगा, सब्जी मंडी वगैरह भी नहीं खोली जाएंगी, दुकानें भी बंद रहेंगी, ये सब कुछ रहेगा। तो ऐसे में आप लोगों को शायद ना पता हो 5000 से ऊपर मरीजों का आंकड़ा निकल चुका है, शायद 5300 या 5400 चल रहा होगा, शाम तक शायद वो 5600 या 5700 अपडेट होकर के आ जाएगा, क्योंकि अब 500-600 ऐसे ही जो है आंकड़े के अनुसार डेली केस नए आ रहे हैं, अपने इंडिया में बढ़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं टोटल यदि केसों को हम आपके सामने रखें तो शायद वो 15 लाख के तकरीबन होने जा रहे होंगे, 14 लाख से ऊपर हैं इसी मौजूदा समय में, और ऐसे में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। डेथ की बात की जाए तो 80,000 से ऊपर हैं, शाम तक शायद 90,000 के करीब हो जाएंगे टोटल, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं जो आंकड़े हैं वो, बाकी तमाम ऐसे होंगे जिनका पता नहीं होगा WH वालों को। तो ऐसे जानकारी हैं जिनको आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था और आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कर्मिकों का जो बीमा कवर है, दरअसल इसके लिए हमें और आप सभी भाई बहनों को आवाज मिलकर के उठानी होगी। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं या आप किसी भी स्टेट से हैं, मैं कहना चाहूंगा जहां से वीडियो भी नहीं जाते, जिनकी कभी बेचारे भाई बहनों की खबरें नहीं जाती लेकिन वीडियो देखते हैं, मैं उन सबके लिए कहना चाहूंगा सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में ये आवाज उठाएं। मोदी जी को जिस तरह से ये लेटर लिखा गया ऐसे ही आप सभी यूनियन वाले, उनको भी चाहिए था लेटर लिखकर के भेजते या आवाज लगाते, मीडिया के चैनल के जरिए, अखबारों के जरिए इन पोस्टों को निकलवाएं, आंगनवाड़ी को भी कहें कि उन्हें भी जो है आपका स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों की तरह जो है यहां पर भी बीमा कवर मिलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यदि हम सब इस तरह की आवाज को उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे और कहीं ना कहीं मीडिया इन दिनों जो है
खाली एक तरह से बैठा है। मीडिया पर कवरेज बहुत जल्दी जाएगा अगर आंगनबाड़ी दिखाया जाए, मीडिया दिखाए कि काम कर रही है बराबर उन्हीं लोगों की तरह, और इन लोगों को सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, ना तो मास्क, ना ही सैनिटाइजर, ना ही ग्लव्स, कुछ नहीं दिया। बहनें इस समय जो है हाई अलर्ट एरिया में जो ड्यूटी कर रही हैं उनको सिर्फ दिया गया है, बाकी की बहनें जो घर घर जाकर के गाँव गाँव बांट रही हैं इन दिनों पोषाहार घर घर जाकर के, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में सभी बहनें चाहती हैं कि मास्क वगैरह दिया जाए, ग्लव्स दिया जाए, सैनिटाइजर दिया जाए, लेकिन ये तो विभाग ने नहीं दिया। तो कम से कम यहां पर बीमा वगैरह सरकार दे सकती है, यदि किसी बहन को कुछ हो जाता है तो कम से कम उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर आ जाए, तो वो सरकार अपना देखेगी, 50 लाख का जो बीमा रहेगा उनसे उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। अन्यथा ऐसे यदि बहनें कुछ करती रहेंगी, कल को कुछ बहन को हो जाएगा तो उनके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूं कि आप सब भाई बहन, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के पास पहुंचाएं, और वो भी इसको आगे बढ़ाएं और अपनी मांग को कम से कम उठाएं। जो यूनियन के लोग हैं यदि वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि आंगनबाड़ी को भी उस श्रेणी में लेकर के आए जो अन्य तरह के स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को लाभ मिल रहा है, तो के बच्चे उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यदि उनको कुछ हो जाता है तो उनके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। सबसे ज्यादा मां बाप को चिंता बच्चों की होती है, तो ऐसे में दिक्कत ज्यादा है, इसीलिए मैं चाहता हूं वो भी अपनी जान जोखिम में डाल करके बहने मैदान में उतरी हैं, तो कम से कम उनके साथ हमें और हमारे प्रशासन को कंधे से कंधा मिलाकर के भी खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर जल्दी मिलेंगे आपको कल सुबह के अगले वीडियो में, और चैनल से जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए, और ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद।